ये वाले कंपैरिजन वीडियो का आपको और हमको भयंकर तरीके से इंतजार था। अभी रिसेंटली ही मैंने ओप्पो एनको बड्स 2 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यू से वीडियो डाला ही डाला। आप लोगों के भर भर के कमेंट्स आ गए थे कि आपको इसका कंपैरिजन चाहिए, जो कि अभी रिसेंटली ही रियलमी की तरफ से लॉन्च हुए हैं, रियलमी बड्स एयर 3 नियो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। अप्रॉक्सीमेटली दोनों में 200-300 रुपए का प्राइस डिफरेंस है, लेकिन जो सिमिलैरिटीज है स्पेसिफिकेशंस पार्ट को लेकर काफी आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलने वाली है। एक एक डिटेलिंग हम चेक करेंगे इस वीडियो में। और एक और मैं आपको चीज बता दूं इस कंटेंट से थोड़ा हटके, अभी रिसेंटली ही हमने एक वीडियो अपलोड किया है गोदरेज सिक्योर वर्ल्ड पे। हम लोग स्पेशली क्या मुंबई गए थे कि ताकि जो आजकल जो सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स आते हैं, होम सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स कितने आपको वैल्यूएबल है डे टू डे लाइफ में, उस वीडियो में वो हमने अवेयरनेस क्रिएट की है। मुंबई में जाके हमने गोदरेज के ऑफिशियल स्टोर पे वो वीडियो हमने शूट किया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक चेकआउट नहीं किया तो यहाँ पे दिए गए लिंक पर आप चेकआउट करके उसको देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है जितना उसको शेयर करेंगे वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, जो अवेयरनेस हमने क्रिएट करने की कोशिश की है आपके थ्रू और बढ़ती जाएगी। अब हम आएंगे वापस कंटेंट पे। इस वीडियो में हम चेक करेंगे एक एक प्रोवाइड डिटेलिंग दोनों प्रोडक्ट के बारे में, दोनों की बिल्ड क्वालिटी, साउंड बेस, कॉलिंग, गेमिंग कितना अच्छा है। एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर पाएंगे कि विच वन इज बेटर एंड विच वन यू शुड बाय। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम करते हैं चेक दोनों के बेसिक डिफरेंसेस। Here you can see comparing the Oppo Enco Buds 2 with the Realme Buds Air 3 Neo. दोनों में ही आपको Bluetooth version 5.2 मिलेगा। Oppo में आपको IPX4 water and sweat resistant feature मिलेगा। Realme में आपको IPX5 water and splash resistant feature मिलेगा। दोनों में ही आपको 10mm के dynamic drivers मिलेंगे। Instant Wake and Pay technology भी मिल जाएगी। AI environmental noise cancellation feature मिलेगा for better calling experience। दोनों में ही आपको dedicated gaming mode भी मिल जाएगा। और साथ ही में आपको दोनों में ही Dolby Atmos का support भी मिलने वाला है। और दोनों में ही आपको application का support भी मिल जाएगा। बैटरी की बात करेंगे, अप्रॉक्सिमेटली आपको दोनों में आप बोल सकते हैं 5-7 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज। वो डिपेंड करता है आप कितनी वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनते हैं। एंड टोटल आप दोनों के ही बड्स को चार्जिंग केस के साथ अप्रॉक्सिमेटली 4 बार फुली चार्ज भी कर सकते हैं। और साथ ही में दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड ओप्पो एनको बड्स 2 का प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 1800 रुपीज एंड रियलमी बड्स एयर 3 नियो का प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 2000 रुपीज। सो यहाँ पे देखा जाए जो फीचर्स पार्ट है आपको दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर मिलने वाले, ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है फीचर्स पार्ट को लेके, दोनों में आपको बिल्कुल बढ़िया फीचर्स मिल जाएंगे। एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दोनों के लुक एंड फील की और बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो केस है रियलमी का आपको थोड़ा बहुत बड़ा मिलेगा, थोड़ा आपको ओवल शेप का मिलेगा एज कम्पेयर टू ओप्पो। ओप्पो में आपको बिल्कुल राउंड शेप का ईयरबड्स का केस मिलने वाला है। एंड ओप्पो में आप देख सकते हैं साइड में आपको ग्लॉसीनेस भी मिल जाएगी, नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी दी गई बिल्कुल आपको प्रीमियम मिलने वाली है, आराम से पॉकेट में कैरी कर पाएंगे, पोर्टेबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी। वहीं पे रियलमी में आप देखें तो हल्का फुल्का यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल यूज किया गया है, ऊपर की तरफ आप आर पार थोड़े बहुत बड्स दिख सकते हैं ईयरबड्स से केस के थ्रू ही। एंड जो बिल्ड क्वालिटी इस भी आपको डिसेंट मिल जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। एंड यहाँ पे भी आपको नीचे टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा। एंड दोनों के लॉक की बात करेंगे आप देख सकते हैं, जैसे आप दोनों के केस को ओपन करेंगे लॉक आपको दोनों में बढ़िया मिलने वाला है, ऑटोमेटिक बंद नहीं होते हैं, आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा। ये एक अच्छी चीज गई है दोनों में ही। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है थोड़ा बहुत जो लुक एंड फील है हल्का फुल्का मेरे को बेटर लगता है पर्सनली ओप्पो का एज कंपेयर टू रियलमी। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस था, आपको किसका लुक एंड फील अच्छा लगता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगती है, वहां पर डिपेंड करता है। एंड अगर हम बात करेंगे बड्स की, बड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में ही आपको प्रॉपर स्टेम शेप के ईयरबड्स मिल जाएंगे। एंड ओप्पो में आपको कंपैरेटिवली थोड़े बहुत बड़े ईयरबड्स मिलेंगे एज कंपेयर टू रियलमी, लेकिन जो ग्लॉसीनेस दी गई आपको रियलमी में ज्यादा मिलेगी टच कंट्रोल्स के एरिया में एज कंपेयर टू ओप्पो। ओप्पो में आपको बिल्कुल प्रॉपर मैट फिनिश के ईयरबड्स मिलने वाले हैं, लेकिन जो प्रीमियमनेस है हल्की फुल्की मेरे को बेटर लगी ओप्पो की एज कंपेयर टू रियलमी। जो लुक एंड फील है जो साफ साफ आप देख के बोल पाएंगे जो प्रीमियम सेगमेंट के ईयरबड्स हैं मेरे को हल्के फुल्के ओप्पो के बेटर लगे एज कंपेयर टू रियलमी। लेकिन दोनों में जो सिक्योर फिट दिया गया बिल्कुल, अगर आप डेफिनेटली प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे, कानों को सही तरीके से पैक करते हैं, काफी लाइट वेट ईयरबड्स दिए गए दोनों में ही, डेफिनेटली अगर आप वर्कआउट्स करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम करेंगे, कानों से बिल्कुल गिरेंगे नहीं, बिल्कुल आपको सिक्योर फिट प्रोवाइड करेंगे दोनों ही ईयरबड्स के थ्रू। लुक एंड फील पर्सनली मुझे यहाँ पे ओप्पो का बेटर लगा एज कंपेयर टू रियलमी, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस था मैंने आपको बताया। एंड अगर हम बात करेंगे दोनों के जो टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, सबसे पहले मैं आपको बताया दोनों में जो एप्लीकेशन पार्ट दिया गया है, दोनों में आपको एप्लीकेशन सपोर्ट मिलने वाला है। रियलमी में आपको मिल जाएगा रियलमी लिंक एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन जिसमें आप सारे के सारे कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। इसमें आपको यहाँ पे बर्ड्स की परसेंटेज दिखा देगा कनेक्शन करने के बाद, साथ ही में जो बेस बूस्टेड मोड, बैलेंस मोड और ब्राइट मोड दिया गया है, वॉल्यूम एनहांसर का ऑप्शन भी मिल जाएगा एप्लीकेशन में, डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिल जाएगा, और जो टच कंट्रोल्स दिएगा उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट से कि डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड से क्या हो। और दोनों में ही आपको प्लस पॉइंट है कि फुल टच कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, आप प्ले पॉज, आंसर कॉल, रिजेक्ट कॉल, नेक्स्ट चेक, प्रीवियस चेक, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं दोनों ईयरबड्स के थ्रू, ये एक प्लस पॉइंट है। वॉइस असिस्टेंट फीचर, डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी आपको दोनों में मिल जाएगा। और ओपो में आपको मिलने वाला है हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट, इसमें भी आपको प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, प्रॉपर जो बैटरी परसेंटेज आपको दिखा देगा, और इसमें भी आपको तीन इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, ओरिजिनल मोड, बेस बूस्टेड और क्लियर वोकल्स का ऑप्शन, साथ ही में आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, टच कंट्रोल्स को भी आप कस्टमाइज कर पाएंगे हे मेलोडी एप्लीकेशन के थ्रू ही। दोनों में जो एप्लीकेशन का पार्ट है ऑलमोस्ट सही तरीके से वर्क करता है, काफी आपको मेलोडीज मिल जाएंगी एप्लीकेशन पार्ट में भी। एंड अगर हम बात करेंगे दोनों के गेमिंग एक्सपीरियंस की, दोनों में आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है, लेटेंसी को लेके मुझे दिक्कत नहीं लगी। डेडिकेटली अगर आप हार्डकोर गेमिंग करते दोनों में से किसी को भी ऑप्शन में रख सकते, ज्यादा आपको लेटेंसी फील नहीं होगी, 80-85 या 90 तक आप बोल सकते हैं, 80-90 के बीच में मिलीसेकंड की आपको दोनों में लेटेंसी मिलने वाली है, लेकिन जस्टिफाइड है, डेफिनेटली आप किसी को भी गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। लेकिन जो लाउडनेस है, इन ऑडियो एक्सपीरियंस है गेमिंग के टाइम पे, थोड़ी बहुत जो बोलते हैं ना बेटरमेंट डिटेलिंग पार्ट को लेके, मेरे को हल्की फुल्की आधा कदम में आगे बोलूंगा, ओपो में मेरे को हल्की फुल्की बेटरमेंट लगी गेमिंग पार्ट को लेके एज कम्पेयर टू रियलमी, लेकिन लेटेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इन ऑडियो एक्सपीरियंस है हल्का फुल्का मेरे को बेटर लगा ओपो का एज कम्पेयर टू रियलमी। अब हम बात करेंगे मेन, देयर इज अ साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। यार दोनों में ही हालांकि आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, लेकिन जो लाउडनेस है, जो बोलते ना अगर आपको बिल्कुल ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, क्लैरिटी आपको बढ़िया चाहिए, हालांकि दोनों का जो आउटपुट है बिल्कुल सही तरीके से वर्क करता है, ऐसा नहीं बोलूंगा दोनों में से किसी में आपको खराब आउटपुट मिलने वाला है, आउटपुट आपको बिल्कुल बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन जो लाउडनेस पार्ट है मेरे को हल्की फुल्की बेटरमेंट लगी, साफ साफ बेटरमेंट बोलूंगा लाउडनेस पार्ट को लेकर ओपो का एज कम्पेयर टू रियलमी। हालांकि रियलमी भी आपको वॉल्यूम एनहांसर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको ऑन करके एप्लीकेशन पार्ट से थोड़ी बहुत लाउडनेस ले पाएंगे, लेकिन इसको आपको ऐसा कोई वॉल्यूम एनहांसर का ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसके बिना भी आपको लाउडनेस बढ़िया मिल जाएगी ओपो में। डिटेलिंग बोलते हैं, जो क्लैरिटी बोलते हैं, मैं आधा आधा कदम आगे बोलूंगा म्यूजिक आउटपुट को लेकर, इसमें जो इक्वलाइजर मोड्स दिएगा, ओरिजिनल मोड, बेस बूस्टेड मोड, क्लियर वोकल सही तरीके से वर्क करते हैं। रियलमी में भी अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स दिए गए हैं, बैलेंस मोड, बेस बूस्टेड मोड और डायनेमिक मोड, मतलब ब्राइट मोड जो दिया गया सही तरीके से वर्क करता है, लेकिन जो बोलते हैं ना डिटेलिंग, अगर आपको हल्का फुल्का बेटरमेंट चाहिए, अगर आप प्योरली म्यूजिक लवर है, म्यूजिक और बेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो मैं आप आधा आधा कदम आगे बोलूंगा ओपो का एज कंपेयर टू रियलमी। और बेस की बात करेंगे, भाई बेस आपको बिल्कुल सराउंडिंग, बूस्टेड, पंचीनेस और बोलते हैं ना बेस्ट आपको बेस इफेक्ट्स चाहिए, तो आप डेफिनेटली ओपो की तरफ जा सकते हैं, यहां पे आपको काफी तो एनहांसमेंट मिलेगी, आधा कदम यहां पे आगे रखूंगा बेस पार्ट को लेके एज कंपेयर टू रियलमी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो साफ साफ आपको बेस पार्ट को और म्यूजिक पार्ट को लेकर आधा कदम मैं आगे रखूंगा ओपो का एज कंपेयर टू रियलमी। बात करेंगे कॉलिंग की, कॉलिंग हालांकि दोनों में आपको एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर दिया गया है, इंट्रो कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है फेस, लेकिन आउटर कंडीशन में सामने वाला फिर भी 20-30% बैकग्राउंड की एक्टिविटीज पकड़ लेगा, लेकिन जब आप बात करेंगे आपकी आवाज पे फोकस रहेगा, लाउडनेस आपको दोनों में सही मिलने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा परफेक्ट कॉलिंग बोलते हैं ना कि हाँ बैकग्राउंड की नॉइस काफी ज्यादा कैंसिल कर रहे हैं, वो आपको थोड़ा बहुत मिसिंग लग सकता है, लेकिन हाँ जो एडिकेट आप बोलते हैं ना कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों के कॉलिंग फीचर सही तरीके से वर्क करता है, कॉलिंग पार्ट को लेकर मैं दोनों को इक्वली ही रखूंगा। एडिकेट आपको इंडोर कंडीशन में बढ़िया कॉलिंग मिल जाएगी, आउटडोर कंडीशन में भी सही मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत बैकग्राउंड की एक्टिविटीज दोनों ही ईयरबड्स कैच करते हैं आउटडोर कंडीशन में। ये तो हो गई सारे के सारे डिफरेंसेस, मैंने आपको सब एक्जैक्टली बता दिया कौन किस में आगे है, कौन किस में पीछे है। एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछा जाए विच वन टू ऑफ फॉर, सो यार देखा जाए प्राइस पॉइंट का जो डिफरेंस दिया गया है 200 रुपए, लेकिन साफ साफ जो एनहेंसमेंट है, थोड़ी बहुत जो बेटरमेंट है म्यूजिक और बेस पार्ट को लेकर, हल्की फुल्की बेटर बोलूंगा, कम प्राइस पॉइंट में आपको ओपो प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू रियलमी। और जो बिल्ड क्वालिटी है, लुक एंड फील है, प्रीमियम ने से हल्की फुल्की मेरे को बेटर लगी ओपो की एज कम्पेयर टू रियलमी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। लेकिन ऐसा नहीं है कि रियलमी खराब है, इसमें भी आपको सब बढ़िया मिलने वाला है, लेकिन मैंने अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया आउटपुट का आपको कैसे मिलने वाला है। कॉलिंग आपको दोनों में सेम मिल जाएगी, दोनों में आपको गेमिंग भी बढ़िया मिल जाएगी, लेकिन मेनली अगर आप म्यूजिक लवर है, अगर आपको 200-300 रुपए और बचाने हैं, मेरे हिसाब से अगर आप ओपो की तरफ इस पर जाएंगे तो हल्की फुल्की आपको बेटरमेंट मिल सकती है, लेकिन रियलमी भी बिल्कुल प्राइस पॉइंट के हिसाब से जस्टिफाई करता है, इसको लेकर मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगी। मैंने आपको अपना पर्सनल प्रेफरेंस बता दिया, वहां पर डिसीजन मैटर करता है। सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पर जाकर आप चेकआउट करके इसको ग्रैब कर सकते हैं। और अभी भी कुछ दिक्कत है, आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो गोदरेज होम सिक्योरिटी वाले जो वीडियो है उसको जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द ओपो एनको बर्ड्स 2 विद द रियलमी बर्ड्स एयर 3 नियो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।